आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बहुत ही करीबी दोस्त भाई मिन्हाज आलम, जो अपने इलाके में पत्रकारिता का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निभा रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूं। और साथ ही साथ मैं मुखिया शाबिर आलम, ग्राम पंचायत डोहर, समस्त पंचायत वासियों को नववर्ष की एवं क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपसी भाईचारगी बनी रहे, यही हमारी मनोकामना है, यही मेरी दुआ है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों पर जानने चाहते हैं। संवाददाता ने बड़ी जानकारी दी। संवाददाता मिन्हाज आलम ने बताया कि रितवा नदी में सोहिया हाट के निकटतम, जहां भट्टा द्वारा अवैध खनन का मामला सामने आया, तस्वीरों पर दिख रहे हैं आप, जहां ट्रॉली द्वारा अवैध खनन कर बालू खुदाई कर भट्टा में ले जाकर उपयोग करने का मामला सामने आया। बताते चले जहाँ प्रशासन द्वारा अब तक नहीं लगाई जा रही ऐसी व्यवस्थाओं पर लगाम, एक तरफ खनन विभाग की टीम पूरी तरह से कर रही है छापेमारी, तो वहीं दूसरी ओर अवैध खनन करने से भी पीछे नहीं हट रहे लोग। तस्वीरों पर सच सामने आई, क्या कुछ है संवाददाता की ओर चलते हैं। बड़ी खबरें इस वक्त तस्वीरों पर जा रहा है। कौन खुदवा रहा है बालू? बालू खुदवा रहे नहीं सर, ऑर्डर आया भट्टा से भट्टा में दे रहा है। किस क्या नाम है भट्टा वाला? भट्टा वाला का नाम तो नहीं जानते हैं सर। भट्टा में जा रहा है? हाँ। ये भट्टा? हाँ ये भट्टा। अच्छा, गाड़ी तो भरे हैं। कितना गाड़ी अब तक ले गए सुबह से? नहीं ले गए सर, हमने फर्स्ट। मेरे सामने तीन गाड़ी क्रॉस करके जा चुका है। ये गाड़ी फंसा है, ये गाड़ी जा रहा था बहुत गाड़ी सर, ये सारा माल वहीं जा रहा है। सब वहीं जा रहा है। शंकरगंज के जयदश प्रखंड के सोहिया पंचायत, जहां अवैध खनन का किया भांडाफोड़। ब्यूरो रिपोर्ट किशनगंज से मिन्हाज आलम, स्मार्ट टाइम्स के लिए बड़ी कवरेज।